हे गाइस गुड मॉर्निंग एंड आज है लक्ष्मी पूजा, तो हैप्पी लक्ष्मी पूजा टू एवरीवन। एंड आई होप माँ लक्ष्मी आप सभी के घर पे विराजमान रहे एंड अच्छे से आपका फिनेंशियल कंडीशन और बेहतर हो। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से एंड मेरी परिवार की तरफ से। सो आज मेरे घर पे पूजा है, मतलब लक्ष्मी पूजा नहीं, हमारे घर पे जो होती है सत्यनारायण जी का पूजा होती है हर पूर्णिमा, तो आज भी है। तो फिलहाल अभी पूजा चल रही है एंड मैं डांट वाट खा के अभी जाके नहा के आई हूँ। अभी 11 बजने को है एंड अभी देख सकते हो मैं जस्ट आई हूँ, तो बाल थोड़ा सा गीला हो चुका है तो इसको सुखाऊंगी एंड मैं स्किन केयर भी थोड़ा सा करूंगी, मतलब क्रीम वगैरह लगाऊंगी, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसी पूजा हो रही है। तो चलो हूँ मेरे मिरर के सामने, देख सकते हो यहाँ पे एंड अभी जब आ गए हैं तो पूरा फेस देख सकते हैं, पूजा हो रही है तो घंटी बज रही है, मतलब कांसर बज रही है। तो अभी फिलहाल मैं चलो स्किन केयर करती हूँ, मैं आपको टाइम लैप्स भी दिखा देती हूँ। मेरा जो स्किन केयर था वो डन हो चुका है, देख सकते हो मैंने क्रीम वगैरह लगा लिया है एंड पम लगा ली। तो अभी फिलहाल बाल थोड़ा सा मंगी नहीं की क्योंकि ये इस साइड का बाल जो है वो गीले हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सूख जाएंगे, तो मैं इसके सीरम लगा के कंघी करूँगी। एंड अभी फिलहाल मैं दिखाती हूँ आपको पूजा घर में क्या कैसे पूजा हो रही है, तो चलो मेरे साथ। দুঃখ রূপে অনরতে সদা মনে পড়ে বিদায় রমণী আর তার সুতা অতির বিলম্ব দেখি মহা দুঃখ জুতা সেই তো সাধুর কন্যা নিজের বাড়িতে দৈব যোগে একদিন গেল বেড়াইতে শিরিনি করিতে তথা দেখিয়া জিজ্ঞাসে কার কর পূজা কোন বিলাসে ব্রাহ্মণে। सो गाइज अभी फ़िलहाल मैं मतलब माथा टेक के आ गई हूँ जहाँ पे पूजा हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मेरे को मैंने सोचा है कि कुछ दिवाली के लिए कुछ शूट वगैरह करनी है, तो आप लोगों के लिए मैं आज कुछ शूट करने जा रही हूँ, मतलब करूँगी अभी, मतलब ऐसे मतलब मेरे टू डू लिस्ट में आज बहुत कुछ शूट करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसलिए नहा लिया जल्दी, क्योंकि नहीं तो मैं 1-2 बजे नहाती हूँ, तो आज इसलिए जल्दी नहा लिया क्योंकि दिन भर मेरे को शूट ही करनी है। तो अभी फिलहाल चलते हैं, थोड़ा सा भोग वगैरह जब पूजा खत्म हो जाएगी भात खाएंगे, फिर उसके बाद में शूट करूँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी आज मैं कैसे शूट करती हूँ। भाई जिसको देखो ये आ गया है, अभी ट्यूशन से आया है एंड अभी नहा के देखो यहाँ पे मोबाइल देखना बैठ गया, मतलब टीका विका लगा के आया है। दिखा टीका तेरा, अरे इधर देख ले, इधर देख ले गाइज। यहाँ पे देखो मैंने सारे कपड़े अभी उठा के लाई हूँ, मतलब धूप में दिया था, यहाँ पे धूप नहीं हो रही थी ना, तो कल से धूप आई है, तो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने धोए थे कल, ये सारे मैं सूट करती हूँ। जो बाहर सब लोग बात कर रहे हैं जो कि पंडित जी हैं उनको वो बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मेरा जो डायरी है यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ टू डू लिस्ट, मतलब क्या करनी है क्या नहीं थोड़ा सा, एंड यहाँ पे 2 ही पेज लिखी होंगी। एंड या वही मेरा बेड है, देख सकते हो ये काला है लॉजिटेक का, मैंने मंगवाया था क्योंकि मेरा जो इसके साथ जो मेरा डेस्कटॉप के साथ जो वायर वाला आता है ना वो काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। एंड इसका मैं रिव्यू दूंगी कुछ दिन बाद, तो आफ्टर यूजेस मतलब अच्छा 1-2 महीना यूज करने के बाद कैसा पड़ रहा है तो उसके बाद ही रिव्यू दूंगी। एंड ये यहाँ पे लगा हुआ है एंड यहाँ पे साथ में जो मैंने फ्लावर लाया था ये तुरको कितना सुंदर से रिवाइव कर लिया है। तो फाइनली मैंने खाना खा लिया है, पीठा बना था घर पे आज एंड अभी फिलहाल मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई नो मैंने बोला था कि मैं सूट करूँगी बट सब कुछ तैयार भी है, मतलब क्या क्या करनी है वो। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक साइड का जो यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा पेन हो रही है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि कैमरा पे अभी मतलब ऐसे देखना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा सा और दिक्कत होगी, मतलब स्किन तो देखने से और ज़्यादा होगी, दर्द बढ़ेगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस 1 घंटा मैं सोऊंगी, मतलब अगर सोने से ठीक हो जाता है फिर ठीक है, नहीं तो फिर दवा लेना पड़ेगा, बट मुझे दवाई लेना पसंद नहीं है। बट फिर भी अगर नहीं हो रही है फिर भी मुझे आज करनी ही है सूट कैसे भी, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर रेस्ट करूँगी शायद ठीक हो जाए, फिर तो उसके बाद ही मैं आपको सो के उठ के मिलती हूँ। तो बने रहेगा अभी तो मैं एंड एक लाइक कर देना यार, ठीक ही होता है लाइक कर दो यार एंड मुझे को शेयर करना अगर अच्छा लगे तो, कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको आगे और अच्छा अच्छा ब्लॉग्स एंड वीडियोज़
मतलब बना के आपके साथ आपके सामने पेश करूँगी। तो वो तभी होगा जब आप मेरे इस वाले वीडियोस को सपोर्ट करोगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब जहाँ से भी देख रहे हो आपको दिल से शुक्रिया। एंड या मिलते हैं। हे गाइस, तो फाइनली मैं अभी शूट करने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। तो पीछे मेरे सामान वगैरह है, अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा दिखा देते हैं। इसके अंदर मेरे सारे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स, मतलब जो मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट्स है वो है, देख सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे मेरा बड़े वाले डब्बे में है कुछ चीज़ें, जो कि मैं बाद में, मैं अभी बहुत ज़्यादा भारी है तो इसलिए मैं उठा नहीं सकती इसको। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैंने मेडिसिन लिया, मतलब मेरा दर्द जो है, सर दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 4 बजे, मतलब मैं सो भी नहीं पाई, तो 4 बजे उठ के मैंने चाय पिया, फिर उसके साथ थोड़ा सा खाना खाया एंड उसके बाद मैंने मेडिसिन ली। फिर फिलहाल अभी थोड़ा बेटर है मेरा जो हेडेक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो शूट करते हैं। तो या वो वाला शूट जब वीडियो आएगी तो आप वो भी देख लेना, ये वाला तो ब्लॉग पहले आ जाएगा। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। सो गाइज, वहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे लाइट हो रही है, उधर पूजा हो रही है, तो उधर जाना है हमें। और यहाँ पे डिस्टेंस 5 मिनट का वॉक होगा, तो उधर जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं और माँ दोनों जा रहे हैं। तो गाइज, आज चांद देखो, चांद एकदम गोल है क्योंकि आज पूर्णिमा है। पता नहीं दी कब आ रही है, बड़ी दी आएगी तभी जाऊँगी मैं, तो अकेले नहीं जाना है। सो फाइनली मेरी बड़ी दी जो है वो आ गई है, एंड अभी उनके घर वाले भी आ गए हैं, तो साथ में ही सब लोग जा रहे हैं। घर का डेकोरेशन लाइटिंग से ही है सब कुछ, तो रात में ही अच्छी लगती है, दिन में तो कुछ पता भी नहीं चलता, तो इसलिए मैं रात में आ गई इस बार। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा ये वाली ब्लॉग्स। अगर अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या वीडियो में। बाई।